सीजीएल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोल लीजिए, या एसएससी सीजीएल सेफ स्कोर बोल लीजिए, या बोल लीजिए कि हमें इतना नंबर जरूरी है एग्जाम में लाने के लिए ताकि हम एसएससी सीजीएल का ये वाला पोस्ट क्वालिफाई कर सकें, ये वाला एग्जामिनेशन इस 2022 वाला भर्ती में हमारा भी जॉब लग जाए, ठीक है। तो आप सभी को हम ये कट ऑफ वाला वीडियो बताने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगा। पहला दिसंबर का पेपर आ चुका हो चुका है, 2 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर आप सभी का चलने वाला है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा हमेशा कि कट ऑफ वाला जो वीडियो है हम आप सभी को जो बताते हैं, पहले भी बताए हैं वो भी सही हुआ है, आगे भी बताए हैं वो भी सही होने जा रहा है, और जो आंसर की वाला एक बताए थे वो भी 110% जो पहले सीपीओ का था चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम का हो वो 110% सही अभी तक होते आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे टोटल वैकेंसी का। देखिए टोटल वैकेंसी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कट ऑफ से डायरेक्टली रिलेटेड है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कट ऑफ कम जाने वाला है, कट ऑफ कम जाने वाला, कट ऑफ कम जाने वाला है, लेकिन कितना कम जाने वाला है, ठीक है। हम आप सभी को बताते हैं इस बार का जो वैकेंसी है 20,000+ है, पहले सभी एग्जामों से आप सभी का सबसे ज्यादा वैकेंसी है इस बार, ठीक है। उसके बाद इस बार वैकेंसी ज्यादा है तो बच्चों ने भी ज्यादा अप्लाई किया है, 35 लाख बच्चों ने इस बार ऐसे सीजीएल के अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बावजूद भी देखिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, अप्लाई करने के बावजूद भी 45% अटेंडेंस है, आप सभी का न्यूज़पेपर का आर्टिकल में आया है, काफी नामी न्यूज़पेपर का आर्टिकल में आया है, तो उसको जनरली नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये दो चीज आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करें अगर कि आप सभी का क्या कट ऑफ रहने वाला है कैटेगरी वाइज, पहले क्या करेंगे था पहले का हम लोग बात नहीं करेंगे, अभी क्या रहने वाला है करंट एग्जाम बता रहे हैं। कट ऑफ का वीडियो है, बहुत सारे बच्चों से पूछने के बाद आप सभी को रिव्यू लेने के बाद आपको कट ऑफ वाला वीडियो बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि आए उठ के और वीडियो बनाने के लिए बैठ गए। देखिए जनरल का जो कट ऑफ जाने वाला है, जनरल कैटेगरी का हम आप सभी को बता रहे हैं, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ जाने वाला है वो आप सभी का अगर 130 से प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप सभी 110% टीयर 1 क्लियर कर ले रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी में अगर हैं 125 से ऊपर जब तक आप लोग स्कोर नहीं कीजिएगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा आप सभी के लिए, आने वाला समय आप सभी को बता देगा कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, हम पेपर दिए हैं कि नहीं दिए, ठीक है। दूसरा चीज EWS अगर 110 से लेकर 115 के बीच अगर आप लोग हैं तो 110% क्लियर हो जाएगा। एससी कैटेगरी वाले 100 से अगर ऊपर हैं तो ही चांस है, वरना कोई चांस नहीं है क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है, फॉर्म भी ज्यादा भरे गए हैं, पिछले बार से सबसे ज्यादा वैकेंसी है। पिछले बार 3 साल में 2018-19-20 वाले में या 21 वाले में शायद वैकेंसी जब 11,000 थी तो उस टाइम कट ऑफ आपका सबसे ज्यादा गया था, और उस 3 साल के एरिए में आपका सबसे ज्यादा वैकेंसी 10,000 वाला ही था। इस बार उससे डबल वैकेंसी है, 20,000 है टोटल, 35 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं, अटेंडेंस भी बहुत बढ़िया रह रहा है, क्वेश्चन का लेवल भी बहुत बढ़िया है। तो आप सभी को ये चीज ध्यान में रखना होगा कि अच्छा से जब तक एग्जाम नहीं देंगे, एक्यूरेसी जब तक नहीं रहेगा हमारे आंसर में तब तक बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब थोड़ा एसटी कैटेगरी वालों के लिए बात कर लें, जब तक आप 90+ नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है, 90+ चांसेस थोड़ा कम है। आगे चल के आप सभी को धीरे धीरे पता चलेगा कि जो बोल रहे हैं वो सच है गलत है नहीं, 110% इतना ही कट ऑफ जाने वाला है, कुछ कम हो सकता है लेकिन 110% यही रहेगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आगे अभी तो कुछ 2 ही दिन हुए, टोटल आपका 52 शिफ्ट में पेपर होगा, तो आगे जैसे जैसे न्यूज आता है वैसे वैसे आप सभी को बताएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।